और यहाँ जो है ना अक्सरियत जो बैरिस्टर की जो सपोर्टर है जीतने के ज्यादा इम्कान ना हमारे सुल्तान में अल्लाह की मेहरबानी है सब ज्यादा लीड खड़ी होंगे इसमें इचल के जो ये बैर साहब हमेशा पोलो से जीते रहे जी जी और इस वक्त हम मौजूद हैं नथिया टाउन के एक मुकाम पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारे दोस्त जो एक होटल में बैठ के लूडो भी खेल रहे हैं और साथ गपशप भी जारी है और कुछ दिनों बाद इलेक्शन भी आ रहे हैं तो 2021 के जो इलेक्शन है आइए उसके बारे से बात करते हैं। और यहाँ जो है ना अक्सरियत जो बैरिस्टर की जो सपोर्टर है तो क्योंकि हमारी यहाँ ज़्यादातर जो है बरादरी जमी है। क्या समझते हैं कि बैरिस्टर सुल्तान ममूचू साहब यहाँ से जीत जाएंगे क्योंकि पहले तो डॉक्टर चौधरी मीन साहब भी थे नून लीग के साथ तो अभी तो बैरिस्टर साहब के साथ जो है वार्ड नंबर 26 है इसमें कोई डॉक्टर मीन साहब का इतना रोल प्ले नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये तो खासतर हमारा जो है बैर साहब का और ये वार्ड नंबर 26 जो है हमारे लोग हैं ये बैर साहब हमेशा पोलिंग से जीते रहे हैं। ठुआ मोहम्मद अली जो है ना वो डॉक्टर अमीन साहब का पोलिंग है तो इंशाल्लाह डॉक्टर अमीन साहब इस वक्त वो विन करेंगे इस पोलिंग को जीतने के ज्यादा इम्कान ना हमारे ब्रिटिश सुल्तान महमूद चौधरी सुल्तान महमूद बैरिस्टर साहब की आपने पिछली दफा जदू ने इलेक्शन लड़ी लेने मैं अपनी ओशा जी ने वोट दिता। तो 2021 के इलेक्शन होने जा रहे हैं इसमें किसकी जो वोट बैंक है किसका ज़्यादा है? बैरिस्टर साहब है। बैरिस्टर साहब बिल्कुल तो ये हिमायत कर रहे हैं उन्होंने बंदे ठीक है। जब ना इलेक्शन में पिछली दफ़ा यहाँ से सुहेब ने भी अच्छे वोट लिए थे तो क्या समझते हैं कि इस दफ़ा भी डॉक्टर मीन साहब भी PTI के साथ है थोड़े कटाए ढूंढ रहे हैं सुल्तान नाल है असा सारी जिंदगी उससे देने रहे हैं और इंशाल्लाह उसका ही दे सकते तो हमारे साथ तारकीन है वतन राशिद साहब स्पेशली ये वोट कास्ट करने के लिए बैरून मुल्क से आए हैं अभी हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको मीरपुर आज़ाद कश्मीर में हम वेलकम करते हैं कि आपने इलेक्शनों के लिए आप यहाँ पर आए हैं नथिया टाउन में आप हर दफ़े वोट कास्ट करते हैं तो इस दफ़ा आप क्या देख रहे हैं कि अक्सरियत जो वोट लिस्ट है वो किस तरफ जाएगी? इस दफ़ा मुझे लगता है कि बैरिस्टर साहब इंशाल्लाह बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे क्योंकि इस दफ़ा उनको लग रहा है कि लोगों को कि पीपल्स तरीके इंसाफ की हुकूमत आने वाली है इस वजह से ज़्यादातर लोगों का रुझान इसी तरफ है कि तरीके इंसाफ को वोट दिया जाए। क्या समझते हैं कि कब सारे लोगों के यहाँ पर मसाइल भी हैं क्या मसाइल हल होते हैं लोगों को? जी हल होने क्यों नहीं होने। तो आपने पिछली दफ़ा वोट किसको कास्ट किया था? बैरिस्टर साहब। बैरिस्टर साहब को दिया। अल्लाह की मेहरबानी है सब ज़्यादा लीड खड़ी होनी है इसमें इचल के जो अलका नंबर 26 जो है ना सब से ज़्यादा लीड खड़ी होनी है वार्ड नंबर 26 आपने बैरिस्टर साहब को बारिश साहब जी। नाजरीन जैसे कि वार्ड नंबर 26 नथिया टाउन के अंदर इस वक्त हम मौजूद हैं और काफ़ी हमने लोगों से बात की अक्सरियत अगर देखा जाए तो यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की है जो PTI इस वक्त अलका जो वार्ड नंबर 26 है वहाँ के जो लोग हैं उनका एक ही कहना है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को वो वोट देंगे। तो जब हमने बात की तो इन्होंने मसाइल के वाले से बात नहीं की कि हमारे कोई मसाइल भी हैं या हमारे काम नहीं हो रहे बस इनकी ज़ुबान पर एक ही नाम है बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी। तो वार्ड नंबर 26 की जो अक्सरियत देखी जाए वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की है और काफ़ी लोग इस बात पर इनका ये भी कहना है कि हम बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को वोट देते रहेंगे और वोट देते रहेंगे। कैमरामैन के साथ साजिद नज़ीर अदालत न्यूज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर।